मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी भर्ती में कोई चूक होती है किसी भी स्तर पर और किसी भी प्रकार की, तो वहाँ पर हमेशा जो नुकसान होता है वो अभ्यर्थी को परीक्षार्थी को होता है। लेकिन ये पहला मौका है जब किसी चूक के बाद नौकरी मिलने जा रही है, वो भी किसमें भाई, रेलवे में। क्या है पूरी खबर देखते हैं। एक चूक से सैकड़ों को सरकारी नौकरी। क्या है, अक्सर जहां एक छोटी सी चूक भी लोगों के लिए आफत बन जाती है, वहीं रेलवे के एक चूक ने कई युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खोल दिया है। पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक लोको पायलट की भर्ती में चूक सामने आई है। इसके लिए कुल सृजित पद कितने थे भाई, ये थे 865 थे, जबकि भर्ती प्रक्रिया कितने के लिए हुई, ये हुई भाई 1681 पदों के लिए। इसका मतलब टोटल पद जिनको नौकरी मिलनी थी वो तो थे 865, लेकिन चुने कितने जाएंगे, 1681। परिणाम भी घोषित कर दिया गया, मतलब 1681 का परिणाम भी घोषित कर दिया गया। मामला नियुक्ति पत्र जारी करते समय पकड़ में आया, इससे पहले पता ही नहीं लगा। सरकारी काम है भैया, सरकारी काम तो ऐसे ही चलते हैं, पकड़ में आ जाए तो स्टार्टिंग में आ जाए, नहीं तो लास्ट तक ना आए। अब रेलवे बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों को समायोजित करने का निर्णय ले लिया है, बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ पर क्या है आगे देखते हैं। वर्ष 2018 में रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर की ओर से पूर्वोत्तर रेलवे के लिए 1681 सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। तीन स्तर की परीक्षा कराई गई। मेडिकल जांच, दस्तावेज की जांच कराकर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई। बाद में पता चला कि जितने पदों के लिए लिस्ट जारी हुई थी उतने तो पद ही नहीं हैं। मामला पकड़ में आने के बाद 865 के अलावा बचे अभ्यर्थियों को लगा कि परीक्षा पास होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों को तैनात कराने के लिए गोरखपुर रेल प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा और बोर्ड ने पत्र का संज्ञान लेते हुए 2 जून को छात्रों के हित में फैसला करते हुए देश के सभी आरआरबी को पत्र लिखकर रिक्त पदों पर भर्ती करने को कहा। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करा दी है और साथ ही दूसरे जोन में शेष उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो देखें, यहाँ पर पहली बार नौकरी मिल रही है किससे, भर्ती प्रक्रिया में चूक से। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।